नमस्कार, हर जिम्मेदार को करने खबरदार। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। ललित मोदी और सुषमा स्वराज का जो पूरा मामला है, यानी सुषमा स्वराज ने किस तरीके से ललित मोदी की मदद की है, उसे लेकर जो राजनीतिक बवाल है, उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया। दरअसल ललित मोदी ने आज लगातार सिलसिलेवार ट्वीट्स किए, लेकिन मोड़ तब आया जब उनके वकील सामने आए और साफ तौर पर कह दिया कि दरअसल जो ये हो रहा है वो राजनीति है। ललित मोदी से शशि थरूर के बिना पर बदला लिया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है महमूद आबदी ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ललित मोदी को निशाना बनाया गया है। ललित मोदी के वकील के ये आरोप हैं। मुंबई में ये कुछ ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ललित मोदी ने अपनी तरफ से ये जानकारी दी थी कि सुनंदा पुष्कर की स्वेट इक्विटी है आईपीएल की एक टीम में, जिसके बाद से कांग्रेस की नजरों में वो चढ़ गए और ललित मोदी को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही यह भी सवाल उन्होंने खड़ा किया कि आखिर ललित मोदी को भगोड़ा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ललित मोदी भगोड़े नहीं है। और इसी बीच आपको हम चंद एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाते हैं। ललित मोदी और सुषमा स्वराज पर कोहराम मचा है, जिसमें ललित मोदी ने अपना पक्ष रखा है और उससे पूरा मामला बदलता नजर आ रहा है। उनके मुताबिक उनके खिलाफ कोई ऐसा आरोप नहीं है, न ही कोई ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। अपने पक्ष को रखने के लिए उन्होंने इंटरपोल की एक चिट्ठी जारी की, वो हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि ब्लू कॉर्नर नोटिस दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट होता है जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भेजा जाता है। इस मामले में बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। यह 2010 की बात है। उसके बाद ललित मोदी ने अपनी तरफ से इंटरपोल को चिट्ठी लिखी और पूछा कि क्या उनके खिलाफ कोई ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, वो चिट्ठी है जो इंटरपोल ने ललित मोदी को भेजी कि उनके खिलाफ इस तरह की कोई सिफारिश नहीं है, इस तरह की कोई नोटिस इसीलिए नहीं है। और इसीलिए बड़ा सवाल यह उठता है कि 2010 से लेकर अब तक क्या किसी सरकार ने संजीदगी से ललित मोदी को भारत लाने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन यह मामला तो बस पिछले एक घंटे का है, जिसमें ललित मोदी के वकील सामने आए हैं और उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि दरअसल सुषमा स्वराज का मसला ही नहीं है, यह कांग्रेस और उनके बीच की दुश्मनी है। लेकिन दिन भर किस तरीके से बवाल मचता रहा उस पर, वो आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दों की तलाश में भटकती कांग्रेस को सुषमा स्वराज के घर मुद्दे का नया ठिकाना दिखा, लिहाजा यूथ कांग्रेसी सुषमा के घर धमक गए। सरकार को पहले से ही पता था, लिहाजा युवा कांग्रेसियों का जोश थामने का मुकम्मल इंतजाम भी था। विवाद पर प्रदर्शन की रस्म जोरदार नारेबाजी के साथ अदा हुई। सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। सुषमा स्वराज के घर से तकरीबन 100 मीटर पहले पुलिस ने बैरिकेड किया और वहां पर प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है। 200 के करीब समर्थक यहां पर नजर आ रहे हैं और भगोड़े ललित मोदी की मददगार, मोदी सरकार, ऐसे नारों के साथ यहां पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि जो अपना हो वो चाहे जो कुछ भी करे, अपराध करे या कुछ भी करे, उसको बचाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। दरअसल बीजेपी के अंदर गैंगवार शुरू हो गया है और गैंगवार में अगर आप देखें तो सुषमा स्वराज पर निशाना साधा गया। कांग्रेस को सुषमा के बहाने सरकार को घेरने का मौका मिला था, तो वो लोग भी प्रधानमंत्री के बयान की मांग करने लगे, यूपीए सरकार के दौरान जिनके कान अपने प्रधानमंत्री के बयान सुनने के लिए तरस गए थे। इस सारे मामले में प्रधानमंत्री चुप क्यों है? देश के माननीय प्रधानमंत्री जो खुद विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए मशहूर हैं और विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है
के कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी। कांग्रेस ने ललित मोदी की मदद करने के आरोपों को लेकर सुषमा स्वराज और सरकार को घेरा तो वामपंथी भी उनके सुर में सुर मिलाते दिखे। सुषमा जी को मंत्री बनकर रहना या नहीं रहना, ये सवाल का जवाब प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को देना है। ये देश के विदेश मंत्री को अस्थिर करो, जो विदेश मंत्री आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजा रही है,